हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर इन एमपी। एमपी के अंदर एग्रीकल्चर कैसा होता है वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये लेक्चर 2 है एमपी इकोनॉमी की सीरीज़ का। फर्स्ट लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं मेरी इकोनॉमी की। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, एमपी की जो इकोनॉमी है वो मेनली 4 चीज़ों पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। एमपी की जो इकोनॉमी है वो चीफली एग्रेरियन है। एग्रेरियन क्यों है? क्योंकि यहाँ की 71.52% पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और इसके एग्रेरियन होने का एक रीज़न ये भी है कि जो एमपी की 72% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि एमपी में एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है। पहला है चीप लेबर्स। यहाँ की लेबर जो है वो चीप है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, यानी कि पानी की सुविधा, पानी अच्छा है यहाँ पर, बैलेंस्ड क्लाइमेट है, एम्पल लेंथ रिसोर्सेज हैं। ये सब चीज़ें जो है यहाँ के पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि एमपी में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं। एमपी की बात कर लें तो एग्रीकल्चर जो है 20-25% यहाँ की स्टेट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद एमपी में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जो कि डिफरेंट क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की सॉइल्स भी बहुत टाइप्स की होती है। एमपी में टोटल 5 टाइप की सॉइल्स होती हैं। देन यहाँ का डाइवर्सिंग क्रॉपिंग पैटर्न भी है जिसके कारण ये सब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। देन यहाँ की लैंड की बात करें तो लैंड एरिया जो है वो 11 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है। ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो लैंड है ये 11 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है। एमपी जो है ये एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस कर रहा है। पहले से जो हमारा प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो अब डबल हो चुका है। पूरे इंडिया में एमपी जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है एफजीपी में। मतलब एफजीपी का फुल फॉर्म होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पूरी कंट्री में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसका सिर्फ 10% जो है वो हमारे एमपी कंट्रीब्यूट करता है। एंड पूरी इंडिया में 100% में से 24% जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो हमारा एमपी कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है वो 25% हमारा एमपी कंट्रीब्यूट करता है पूरी इंडिया में। अब हम एमपी में मेन क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे मेन क्रॉप जो है फर्स्ट नंबर पे एमपी में वो है वीट। वीट जो है यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये वीट जो होता है वो रबी क्रॉप्स में आता है। जो हाईएस्ट एरिया है रबी क्रॉप्स के, मतलब कि वीट को ग्रो करने वाला, वो है एमपी। मालवा प्लेट्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वीट क्रॉप के ग्रो करने का। और देखा जाए तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो वीट क्रॉप को ही हुआ है। सेकेंड जो मेन क्रॉप है वो है राइस। राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पर अनडिवाइडेड एमपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। मेन रीजन जो है राइस क्रॉप का वो है ईस्टर्न एमपी। ईस्टर्न एमपी जो है इसको राइस बोल ऑफ सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता है। अभी जो ये ईस्टर्न एमपी वाला पार्ट है ये करेंटली छत्तीसगढ़ में चला गया है, इसीलिए आफ्टर डिविजन एमपी में जो राइस का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। इसके बाद आता है ज्वार। ज्वार जो है वो वीट के बाद आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है एरिया के हिसाब से भी और प्रोडक्शन के हिसाब से भी। और जो ज्वार जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है। इसके बाद आती है मेज। ये भी एक खरीफ क्रॉप होती है और ये वार्म मॉइस्ट रीजन में ही ग्रो करती है। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे ग्राम। ग्राम जो है ये अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। जब इसको बोया जाता है तब थोड़ा सा मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, उसके बाद तो ये ड्राई वेदर में भी उग जाती है। ग्राम का जो प्रोडक्शन है उसमें एमपी जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है। इसके बाद सिक्स नंबर पे आता है अरहर, जिसको वो तुअर भी बोलते हैं। ये जो होता है ये नंबर फर्स्ट पे आता है, इसको बोने में एमपी जो है फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके बाद आता है सोयाबीन। एमपी को सोया स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि एमपी पूरे इंडिया में 62% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सोयाबीन के प्रोडक्शन को लेकर। इसके बाद आता है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है ये एक फूड ग्रेन तो है ही है, फूड ग्रेन क्रॉप, साथ ही साथ ही एक ऑयल सीड भी है, यानी कि इसमें से ऑयल भी निकाला जाता है। ग्राउंडनट जो होती है ये खरीफ क्रॉप होती है। इसके बाद आता है अलसी, इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। ये जो होती है ये एक मेजर ऑयल सीड होती है और ये सभी टाइप की मिट्टी में उग जाती है। एमपी के अंदर अलसी जो है इसको राबी क्रॉप बोला जाता है। इसके बाद आता है शुगर केन, जो कि एक कमर्शियल क्रॉप है एमपी के अंदर। देन आता है कॉटन, ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।